जंगल में घोड़ी अपने बच्चे को जन्म देती है। उसका बच्चा बहुत प्यारा था। वह उसके लिए जंगल से ताजी घास लेने जाती है। घोड़ी के चले जाने के बाद वहाँ पर एक भूखा दुष्ट शेर पहुँचता है। वो घोड़ी के बच्चे को देखकर बोलता है, ये तो ताजे मांस का घोड़े का बच्चा है, इसे खाने में तो बड़ा मजा आएगा। इतना बोलकर शेर उसका शिकार कर लेता है और उस बेचारे को जान से मार डालता है। घोड़ी जब वापस लौटती है तो देखती है कि शेर ने उसके बच्चे को मारकर खा लिया है। ये सब देख घोड़ी वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है और कुछ नहीं कर पाती। अरे, मैंने इस बेखौफ शेर का क्या बिगाड़ा था, इसने मेरे मासूम बच्चे को मार डाला, अब मुझे अकेले जीने का कोई हक नहीं है। इतना बोलकर घोड़ी एक पहाड़ी से कूदकर सुसाइड करने के लिए चल देती है कि तभी रास्ते में उसे एक बाघ का बच्चा रोते हुए दिखाई देता है। तब वो उसके पास जाकर पूछती है, अरे बेटा, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें आखिर क्या हुआ? मेरी माँ को एक शेर ने मार डाला, अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँगा? क्या उस बेखौफ शेर ने तुम्हारी माँ को भी मार डाला है? हाँ, उसने मेरी माँ को मार डाला, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि उसने अभी मेरे बेटे को भी मार डाला है, लेकिन बेटा, आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी बेटा। तब से घोड़ी बाघ को अपने साथ रखती और उसे अपने बेटे की तरह पालती। उधर उसी शेर ने जंगल के बहुत से जानवरों को मार डाला था। कोई भी जानवर उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, सभी उससे डर के मारे छिपे हुए थे। कुछ दिन बीत गए थे, अब बाघ भी बड़ा हो गया था, तो सभी जानवर घोड़ी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, सुनो बहन, उस शेर ने पूरे जंगल में आतंक फैला रखा है और वो अब हमें भी मार डालेगा, तुम हमारी मदद करो बहन। तुम चिंता मत करो, मेरा बेटा बाघ उसका अंत करेगा और साथ ही मेरे बच्चे और अपनी माँ बाघिन का बदला भी लेगा, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तब घोड़ी बाघ से अकेले में बात करती है। बाघ बेटा, उस शेर ने सभी जानवरों को परेशान कर रखा है, अब वक्त आ गया है उससे अपना बदला लेने का, तुम्हें उसे मारना होगा। हाँ माँ, मैं उसे जरूर बदला लूंगा, तुम अब चिंता मत करो। तब बाघ शेर को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाता है। शेर, तुमने मेरी माँ को मार डाला था ना, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया था, अब तुम्हें उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तब बाघ बड़े ही गुस्से से उस पर हमला कर देता है और कुछ ही देर में उसे जान से मार डालता है। तभी वहीं पर सभी जानवर पहुंच जाते हैं और शेर को मरा हुआ देख बड़ा खुश होते हैं, आखिर उनकी जान जो बच गई थी। बाघ भाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी इस खूंखार शेर से जान बचा ली, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तब से जंगल के जानवर बाघ को ही जंगल का राजा बना देते हैं और बाघ अब अपनी प्रजा का बड़े अच्छे से ख्याल रखता है और सभी जानवर भी मजे से सुख शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो अगर आपको आज की स्टोरी जरा भी इंटरेस्टिंग लगती है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक जंगल में बाघिन अपने दो बच्चों को जन्म देती है। बाघिन के दोनों ही बच्चे बहुत सुंदर थे। बाघिन अपने दोनों ही बच्चों का बड़े अच्छे से ख्याल करने लगती है। उधर शेर को भी यह बात पता चलती है कि बाघिन ने दो बच्चों को जन्म दिया है, तो शेर भी बाघिन से मिलने चला आता है। अरे बाघिन, बधाई हो, तुम्हारे दोनों ही बच्चे बड़े सुंदर है, भगवान इनकी लंबी उम्र करे। बहुत शुक्रिया शेर, बहुत शुक्रिया।
आज हम दोनों काफी दिन बाद मिले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम सब आज भोजन भी एक ही साथ करें। हाँ हाँ शेर, क्यों नहीं, जरूर। सुनो बेटा, तुम दोनों आराम से घर पर रहना, हम दोनों भोजन लेकर आते हैं। इतना बोलकर शेर और बाघिन भोजन की तलाश में चले जाते हैं। अब काफी समय बीत गया था। शेर बाघिन के बच्चों की तरफ अकेला आ रहा था। यह देखकर दोनों बच्चे शेर से बोलते हैं, शेर अंकल, हमारी माँ कहाँ गई? वो वापस क्यों नहीं आई? तब शेर दुखी मन से कहता है, मुझे माफ करना बच्चों, मैं तुम्हारी माँ को उन शिकारियों से नहीं बचा सका। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो बाघिन को मारकर अपने साथ ले गए। मुझे माफ करना। यह सुनकर दोनों बच्चे बहुत रोने लगते हैं। हमारी माँ हमें अकेला छोड़कर चली गई, हम अपनी माँ के बिना कैसे रहेंगे? अब हमारा ख्याल कौन रखेगा? बेटा, कभी तुम्हें कोई चीज की जरूरत हो तो मुझे आकर बता देना, ठीक है? इतना बोलकर शेर चला जाता है। वहीं किसी दूसरे जंगल की एक मादा सुअर चलते चलते इस जंगल में पहुंच जाती है। बाघिन के बच्चों को रोता देख मादा सुअर उनके पास जाकर बोलती है, क्या हुआ बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है? हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई है, अब हम बिल्कुल अकेले हैं। अब हम किसके साथ रहेंगे? दोनों को रोता देख मादा सुअर को उन पर बहुत रहम आता है। वह उनसे बोलती है, रो मत बेटा, आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं रखूंगी तुम्हारा ख्याल, मैं कभी तुम्हें तुम्हारी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तब से मादा सुअर ही दोनों बच्चों का बड़े अच्छे से ख्याल रखने लगती है और समय पर उन्हें भोजन लाकर देती थी। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत गए थे। एक बार मादा सुअर दोनों बच्चों को जंगल की सैर करा रही थी, तभी उसे एक गड्ढे में से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तुम दोनों रुको यहीं पर, मैं अभी जाकर देखती हूँ। मादा सुअर गड्ढे में देखती है तो वहाँ पर बाघिन थी। तब मादा सुअर रस्सी डालकर बाघिन को बाहर निकाल लेती है। अपने बच्चे को खड़े देख वो भागते हुए दोनों के पास जाकर उन्हें अपने गले से लगा लेती है। मेरे बच्चों, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, देखो मैं अब वापस आ गई हूँ बच्चों। माँ, तुम कहाँ चली गई थी माँ? बेटा, जब हम दोनों शिकार करने जा रहे थे तो मैं इस गड्ढे के पास ही खड़ी थी कि तभी शेर ने मुझे पीछे से धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। बागीन, तुम कभी जंगल पर राज नहीं कर सकती, अब मैं करूँगा जंगल पर राज और तुम्हारे बच्चे भी अकेले तड़प तड़प कर मर जाएंगे। उसने यह सब जंगल पर राज करने के लिए किया था, लेकिन अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं। माँ माँ, इनसे मिलो, इन्होंने हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है और हमें बिल्कुल परेशानी नहीं आने दी। माँ, ये बहुत अच्छी है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया सुअर, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। कोई बात नहीं बहन, ये तो मेरा फर्ज था। तब वो शेर के पास पहुंचते हैं। उनको आते देख शेर के तो होश ही उड़ जाते हैं। ये अब तक जिंदा कैसे, और इसे किसने बचाया है? मुझे देखकर बहुत परेशान हो गए हो ना शेर, अब तुम्हारी खैर नहीं है। तब बाघिन एक ही खतरनाक वार में उसे जान से मार डालती है और इस धोखेबाज शेर का वहीं पर अंत कर देती है। फिर से वो सभी जंगल में मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं।